यूहन्ना को मैंने बताया, यूहन्ना यहूदी था और यहूदी दृष्टिकोण से जो जो चीजें परमेश्वर ने स्वर्ग में उसको दिखाई उसने उसी दृष्टिकोण से सारी चीजें लिखी थी। अब आगे पढ़े उसके दो में क्या लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो सर्दीस की कलीसिया को फटकार लगाई है, फटकार लगाई है परमेश्वर ने, यहाँ सर्दीस की कलीसिया को फटकार लगाई, यूहन्ना को बोला उसको लिख और बोल के तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, तू जीवित कहलाता है पर मरा हुआ है और जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। यानी यहां पर आज कलीसियाओं में क्या है, परमेश्वर ने कलीसियाओं में बहुत से लोगों के काम को पूरा ही नहीं पाया है, आज भी लोगों ने पूरा काम नहीं किया है। इसका मतलब परमेश्वर के निकट किसी काम को पूरा नहीं करा है, इसका अर्थ है कि आपने बहुत सारे काम किए लेकिन वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचे, वो काम कंप्लीट ही नहीं किए आपने। आज बहुत से क्रिश्चियन है, बहुत से मसीह है जिनका जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, जिनका जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, वो मरी हुई कलीसिया है, मरे हुए लोग हैं। ऐसी सर्दीस की कलीसिया को ये फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई यहां पर और समझाया गया है कि परमेश्वर के निकट आपको अपने कामों को पूरा करना है। लिखा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, आज कलीसिया जीवित तो कहलाती है पर मरी हुई है। बड़े बड़े चर्चिस को देखते हैं वो कितना अच्छे से गीत गा रहे हैं, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कितने बढ़िया से वर्शिप कर रहे हैं और हमें लगता है अरे वाह कितनी बढ़िया कलीसिया है, कितनी अच्छी कलीसिया है, पास्टर कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है, कितने बढ़िया से बोल रहा है, कितनी बढ़िया कलीसिया है, ये हमें लगता है। लेकिन कितने ऐसे वर्शिपर्स हैं जिनको मैंने भी देखा है, वो वर्शिप तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आराधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वर्शिप आराधना करने के बाद जब बाहर जा रहे हैं तो गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिल्मी गीतों को गा रहे हैं। अभी तो भवन में प्रभु की आराधना कर रहे हैं और वहां पे फिल्मी गीत गा रहे हैं, अश्लील गीत गा रहे हैं, अश्लीलता से भरे हुए गीत गा रहे हैं। ये वर्शिपर हैं, ये वर्शिपर हैं, जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी कलीसिया है जिनकी वर्शिप हम देखते हैं, देखते कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कितने बढ़िया से लोग गीत गा रहे हैं, कितना बढ़िया यहाँ पर वर्शिप करे जा रहे हैं, लेकिन वो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं, वो मरे हुए हैं। ऐसी सर्दीस की कलीसिया ही अपने आप को बड़ा रिलीजियस समझते थे ये लोग, इनको लगता था बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा। शुरुआती समय में सर्दीस की कलीसिया बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चल रही थी, बहुत उत्सुकता थी इनके अंदर, बहुत प्रेम था परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया समय के अनुसार इनके अंदर की उत्सुकता कम होती चली गई, इनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम कम होता चला गया। जैसे एक नया विश्वासी आपने देखा है जब चर्च में आता है बड़ा उत्सुक होता है, बड़ा उत्सुक होता है प्रभु के काम को करने के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और जैसे जैसे समय बीतना शुरू होता है उसकी उत्सुकता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जोश जज्बा परमेश्वर के लिए उसकी सेवा करने का जो आग जुनून होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ रहते रहते अपने जीवन में संसार की बातों को शामिल कर लिया है। जब आपके जीवन में परमेश्वर की बातें होने के साथ संसार की बातें आप शामिल कर लेते हो तो आप जीवित तो कहलाते हो पर मरे हुए, मरे हुए। कितने क्रिश्चियन संडे चर्च में आते हैं, बहुत बढ़िया से वर्शिप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हालेलुया करते हैं, और संडे वर्शिप जब खत्म होती है, सर्विस खत्म होती है, सर्मन खत्म होता है, घर जाते हैं, दारू की बोतल खोलते हैं और पैक बनाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। और चर्च में जब उनको देख लो इतने बढ़िया से आपसे बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, भाई कैसे हैं आप, बहन कैसी हैं आप, अरे पास्टर जी कैसे हैं आप, बहुत अच्छे से, आनंद के साथ, दूसरों को दिखाने के लिए जीवित तो है पर मरे हुए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो आपको दिखाई देती है, सभी नहीं लेकिन अधिकतर चर्चिस वर्शिपर्स ऐसे हैं, पास्टर्स ऐसे हैं, चर्च के लोग ऐसे हैं, जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं, मरे हुए। कितने ऐसे बिलीवर्स हैं जो चर्च में बैठते हैं, संडे आके वचन सुनते हैं, अपने घर में हफ्ते भर तक बाइबल ही नहीं खोलते, बाइबल ही नहीं पढ़ते। उनसे पूछा जाए बाइबल कब पढ़ी थी लास्ट टाइम, पास्टर जी संडे को पढ़ी थी, संडे को कब पढ़ी थी, चर्च में ही पढ़ी थी जब आपने वचन खोलने को कहा था, उसके बाद से तो मैंने संडे अगले संडे तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। प्रेयर कब करी थी, पास्टर जी दो दिन पहले करी थी, अभी करी नहीं। जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। फिर वो कहते हैं क्यों हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्यों हम आत्मा में मजबूत नहीं बन रहे, हम जीवित तो कहला रहे पर मरे हुए हैं। इस बात को समझना है। और ऐसे कितने सारे चर्चेस हैं, बाहर से तो आप देखोगे बहुत बढ़िया डेकोरेट करे हुए, बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर बिल्डिंग को चमकाने में लगे होते हैं, बिल्डिंग को इतनी बढ़िया चर्च की चमका देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी आत्मा को तो सड़ा के रखते हैं, अपनी आत्मा को सड़ा के रखते हैं। चर्च में आते हैं और चर्च में आने के बाद जैसी ही आराधना खत्म होती है उसके बाद फिर से संसार की बातें शुरू, संसार की बातें शुरू, चर्च से निकलते निकलते संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं। फिर प्लान क्या होता है, चलो आज सेवा तो हो गई, आज चर्च में हम चले गए, हमने वचन सुन लिया प्रभु का, हम बड़े आशीषित हुए, चलो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे का शो है, चलना है, ये नई मूवी आई है देखने चलते हैं। वो नई मूवी कौन सी है जो संसार की सारी चीजें उसमें लिप्त है, अश्लीलता से भरी हुई, पाप से भरी हुई, वो देखने हम जा रहे हैं। ये लोगों का जीवन है
जागृत तो कहलाते हैं, जीवित तो कहलाते हैं, पर मरे हुए हैं। ऐसे मरे हुए लोग प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फेलोशिप मिले, और जो फेलोशिप के लिए उनको इन्वाइट करते हैं, वो फेलोशिप करते ही नहीं है। और आगे क्या लिखा है, तू जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इस कलीसिया को बोला गया कि जागृत हो जा, तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट मैंने पूरा नहीं पाया है। यानी बहुत सारे काम हम करते तो हैं, लेकिन उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, हमने अधूरा छोड़ दिया। जब किसी काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो स्वर्ग तक वो काम हमारा नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे कामों को अधूरा नहीं चाहता। वो कैसा चाहता है? पूरा चाहता है। परमेश्वर के निकट इसका अर्थ है, आप जो भी काम करते हो वो सारे काम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं स्वर्ग में, और जो भी काम आपके अधूरे रहेंगे वो परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी भला नहीं है। आपको सारे काम अपने पूरे करने पड़ेंगे।